नमो नुवे सौहरिहंताणम नमो नुवे सौदानम नमो नुवे सौभाग्रिया नमो नुवे सौजयनम नमो नुवे सौत्रिकावती श्रावणम ओंकार संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामद मोक्ष ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमी मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोस मंगल नमस्म नियम सा 40 में दाता पीछे कलश है, एक कलश में आएगा कोई लखन 40 न बांटना जानने की चीज है, एक गाड़ी में वो कलश में आएगा। देखो कलश है मालिनी नहीं विदधती बद स्पष्ट भावादयो मी स्फुटम उपरी तरम तो एत्र प्रतिष्ठा अनुभव तू तमे विदोतमान समता जगत अवगत मोहि भूय सम्यक स्वभाव। अब बद स्पष्ट की बात चलती थी ना, कोई 14वीं का समाज हुई आ कोई कहता था 14वीं 38वीं 33वीं 34वीं चौदमा सारा गया, चौदमा का है, थोड़ा चौदमा का है। जगत अर्थात जगत के में रहने वाला जीवों जगत तो शुद्ध है, जगत में रहने वाला जीव ऐसा अर्थ है। संसार में भी हम कहते हैं ना क्या मानस आया होता मावल देश आया काठियावाड़ आता है मावल देश आता है उसका रहने वाला आता है। हम यहाँ जगत कहने से जगत में रहने वाला जीव को संबोधते हैं, समझ में आया। मोहरहित होकर सर्व ओर से प्रकाशमान ऐसा समय सामने आया है कि जब लग अज्ञानी है तब लग जैन हो तो भी पुण्य पाप का करता है ऐसा मानना। अनुमति जैन नहीं मानना, ये श्लोक है समझ पाता है समय सारण कि पुण्य पाप का भाव जब लग स्वरूप का अज्ञान नहीं तब लग अज्ञान से कर्ता अज्ञान ही होता है। ये कर्म से होता है विकार ऐसा नहीं, समझ में आया। तो पहले गाथा श्लोक है कि जब लग अरंत का मानने वाला अनुमति जैसे मानते हैं कि विकार अपना है ही नहीं अपने से है ही नहीं ऐसे न मानो। जब लग अज्ञान है तब लग राग द्वेष का करता आत्मा है पर्याय में अशुद्धता है। अज्ञानी मिथ्या जब लग है स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन आनंद का अनुभव नहीं तब लग जैन लोगों भी अरिहंत को मानने वाला राग द्वेष का करता शुद्धता का पर्याय मेरी है मैं करता हूं। धन्यवाद से भगवान। और भेद ज्ञान हुए पीछे राग द्वेष का करता मैं नहीं तो राग द्वेष का करता कर्म है ऐसा ही नहीं। राग द्वेष होता है तो अपने पर्याय में अपनी कमजोरी से, पर जब स्वरूप का ज्ञान हुआ मैं तो ज्ञान आनंद सच्चिदानंद प्रभु तो ऐसी दृष्टि में राग आता है तो राग को जानने वाला रहते हैं। समझ में आया। श्लोक है वेद ज्ञान हुए पहले अरिहंत को मानने वाला राग भी पुण्य पाप का आत्मा ही करता है ऐसे मानो। सुन
पर भेद वास्तविक है तो दृष्टि का विषय जब बताना है, क्रमबद्ध में भी वो बताना है कि अकर्ता, ये अकर्ता क्या रहे हैं? कि राग की एकता टूट गई, सम्यक दर्शन हुआ तब ये राग का कर्ता आत्मा नहीं, पर ज्ञान में भी राग का कर्ता आत्मा नहीं, यानी कर्म राग का कर्ता है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? और घरिक में करता, घरिक में करता। भगवान का साधुवाद मार्ग है तो पर्याय में पुण्य पाप का भाव होता है मदिन। तो जब तक भेद ज्ञान नहीं, ऐसा श्लोक है समय सार में, तब तक तो हरिहंत का मानने वाली पर्याय का विकार जो होता है पुण्य शुभ दया दान काम करो तुम, वो पर्याय का अपराध है, मैं ही करता हूं ऐसा मानना। समझ में आया? और भेद ज्ञान हुई पीछे है, अभेद ज्ञान की बात है। हाँ हाँ हाँ, जगत मोह रहित होकर ऐसा सब पड़ा है ना, तो ये पुण्य पाप का भाव विकृत भाव है। ये पर्याय बुद्धि में मैं करता था, कौन मेरी चीज जो है ये आनंद का मात्र, उसकी दृष्टि होकर सन्या ज्ञान हुआ तो ही राग का कर्ता मैं नहीं, मैं मोह रहित हूं। समझ में आया? मोह रहित होकर का उसका अर्थ था कि पहले मोह रहित रहित था। समझ में आया? वितराग मार्ग अनोखी है भाई। मोह रहित होकर तो उसका अर्थ था कि पहले मोह सहित था, ऐसे मानता था, ऐसा था, बिल्कुल मेरे में रागी नहीं, राग का करता कर्म यह है अज्ञान भाव में, ऐसे न मानो, ऐसा कौन से समय सार में। जय भाई मारे, अत्यार सुधी आवाज करी नोड़ी आवाज। ये बात में प्रभु सत्संग न हो जाए कि हम तो सम्यक दृष्टि है, पीछे हमारे गमेति वा हमारे विकार हो तो हमारा है नहीं, हम भोग करते हैं तो हमारा नहीं, ऐसा सच न हो जाए। जब लग जैन में भी रहा, जैन पक्ष में आया, जैन वाड़ा में आया, जैन का सुना, पर जब लग और राग से भिन्न अपनी चीज जानने में न आवे, तब लग तो जैनो तुम्हें अज्ञान भाव से राग भाव का कर्ता मैं हूं ऐसा मानो, ये माचार देव का हुक्म है। दे भाई पान, जब मोह रहित दृष्टि हुई, कि विकार का विकर्म जो है दयादान का, उससे भी मेरी चीज तो भिन्न है, ऐसी चीज वाले को जगत का प्राणी संबोधन करके आचार्य कहते हैं मोह रहित होकर सर्व ओर से प्रकाशमान, ऐसा भगवान अंदर चैतन्य मूर्ति राग से भिन्न होकर मोह से रहित होकर। यही बात है भाई, प्रभु नो महाराज। अने कोई ऐसे प्रश्न कर सकते कि भाई त्याग में क्या आना, त्याग तो आता नहीं, ऐसा प्रश्न भी कहते हैं अजमेर से। प्रभु पर का त्याग ग्रहण तो आत्मा में है ही नहीं, आत्मा का स्वभाव ही त्याग ग्रहण रहित, उपाधि त्याग ग्रहण रहित है आत्मा का स्वभाव,
उड़ताली शक्ति में प्रभु पर का त्याग ने पर का ग्रहण से तो प्रभु सुन है। भक्त अज्ञान भावे राग ने द्वेष को मैं करता हूँ ग्रहण किया, ये अज्ञान भावे है। पर का तो त्याग ग्रहण है ही नहीं, और मिथ्या का त्याग भी निमित्त से कथन है ही। मिथ्या का त्याग ही अपना ही चीज जो मोह रहित है। ऐसा अनुभव करो ये प्रकाश मान ऐसे उस सन्नक स्वभाव का अनुभव करना चाहिए। ये राग की रुचि छोड़कर, राग की एकता बुद्धि छोड़कर, मोह रहित नाम राग रहित मेरी चीज है ऐसी दृष्टि करके हे जगतना प्राणियों संतो दिगंबर संतो पुकार करके करुणा करके जगत को कहते हैं। भगवान अंदर चैतन्य प्रकाश मूर्ति ऐसे उस संगत स्वभाव का संगत स्वभाव राग आदि प्रणादि उसका मूल स्वभाव नहीं, ये तो उपाधि है। जब लग राग का कर्ता होता है तब लग तो अज्ञानी है। पर यहाँ तो कहते हैं कि एक बार प्रभु तो मोह रहित हो जा, तेरी चीज में ये राग ने विकल्प है ही नहीं। या ये 40 में वो कहना था, ये यहाँ सार दिया कलश में, आधार दिया 14वीं गाथा का। मैं अनुभव करना चाहिए क्या जिससे ये भक्त प्रसादी भाव क्या कहते हैं 14वीं गाथा का सार है कि कर्म का संबंध मेरे में है ही रहित में हूं, बद से रहित हूं। और स्पर्श नाम विषा पुद्गल जो है उससे स्पर्श में रहित हूं, ये बद स्पर्श रहित। और अनन्य नरक गति मनुष्य गति देव गति आदि ये नहीं, मैं ये अन्य अन्य है, मैं अनन्य हूं। ये चार गति से भिन्न मैं अनन्य हूं। अब स्पष्ट अनन्यम नियनम पर्याय में अनेक प्रकार की हीनाधिकता की दशा उत्पन्न होती है जो अनियत है। मैं तो नियत हूं, मैं तो निश्चय स्वरूप भगवान पूर्णानंद में कुछ बदगत रहती नहीं, और पर्याय आना जाना ये मेरी चीज में नहीं। अभी बात है जिसमें बदपष्ट तो नहीं, अनेरी अनेरी गति भी मैं नहीं, और अनियत नाम पर्याय में हिनाधिकता होती है ये भी मैं नहीं, और देव दर्शन ज्ञान में चारित्र जो विशेष दिखते हैं ये विशेष भी मैं नहीं। मैं तो सामान्य ही गुरु चैतन्य हूं। चाली रथ में ही कहना है उसका सारा। समझ में आया, मैं अनन्य अबस्पष्ट अनन्य अनियत ये नहीं, नियत हूं निश्चय मेरी एक रूप है, और अविशेष मैं अविशेष हूं विशेष नहीं। क्या दर्शन ज्ञान ने चारित्र ऐसा भेद भी मेरी चीज में नहीं। मैं तो विशेष रहित सामान्य हूं, राग रहित तो हूं पर विशेष रहित में हूं। प्रभु मारंगड़ा जुदा भाई गया दुनिया में पैसा बांध घुस जाए मजा माने जा।
वो फलाना सेठ उसको बैंगलोर 2 करोड़ रुपया धूल धूल है 4 फड़ा में हम क्या कह सकता है, बाहर नहीं बाहर निकल जाए थे आए तो परमात्मा जिनेश्वर देवे कहा ऐसे दिगंबर संतो आरतिया होकर जगत को भगवान का माल बताते हैं, पसंद पड़े तो नो, न पसंद पड़े तो तुम्हारी मर्जी है। कहते हैं कि मैं विशेष भी नहीं, राग का संबंध तो नहीं, कर्म का संबंध तो नहीं। अब प्रश्न आता है, व्याख्या बद प्रश्न की है, है? बद प्रश्न आदि भाव स्पष्ट रूप से ऊपर तिरते होने। ये विशेष भाव माने कर्म का संबंध भाव और संयुक्त राग से संयुक्त सहित नहीं, राग से संयुक्त पना ये राग दया दान व्रत आदि का विकल्प ऊपर तिरते हैं, मेरी चीज की अंदर में उसका प्रवेश नहीं। समझ में आया, ये 5 भाव आया, बद पश रही, अनन्य नाम गति अनेरी अनेरी रही, और पर्याय में अनेकता विविधता मुसीबती होती है, कमजोरिया ये भी नहीं, और विशेष दर्शन जानकारी का भेद भी मैं नहीं, और असंयुक्त राग से संयुक्त भी नहीं। ऐसे बद पश आदि 5 मूल भाव स्पष्ट रूप से ऊपर तिरते होने पर भी हमारे इचाड़ी में गाथ मा के न था। समझ में आया, ये ऊपर तिरते हैं मेरी चीज में नहीं। जैसे जड़ का पानी है, पानी जो मम बेमन पानी जो उसमें तिल तिल तो तेल अंदर नहीं प्रवेश करते, तेल की चिकाश तेल समझते ना, सिर्फ वो तेल वो चिकार ऊपर रहती है अंदर नहीं प्रवेश करती। जल का दो है, पानी का दो है, उसमें वो तेल का बिंदु ऊपर तिरते हैं, अंतर में नहीं प्रवेश करते हैं। एम यहां कैसे हे जगत ना जीवो, प्रभु तेरा स्वभाव अंदर रहता है कि बद प्रश्न राग आदि भाव ऊपर तिरते हैं, द्रव में प्रवेश नहीं करते हैं। समझ में आया, गोव्याजी बात अजी तो शुद्ध नहीं का विषय की बात है, 14वीं गाथा शुद्ध नहीं का विषय की अर्थात सम्यक दर्शन की बात है, 15वीं गाथा ज्ञान सम्यक ज्ञान की बात है, यहाँ सम्यक दर्शन की बात है। छते सम्यक दर्शन में भी शुद्ध नहीं का विषय वो लिया है, नई तो ज्ञान है कि शुद्ध नई जो पवित्र दृष्टि पर्याय उसका वो विषय है। परम पुरुष ने बापू आई तो आया से कहां से देखो, कहां से आया है, अपनी सगौरता छोड़कर जैसी क्या सगौरता ऐसी है मिलती नहीं है तो क्या चीज है प्रभु। तो आया तो कहते हैं कि राग द्वेष कर्म पर्याय अनेकता गति अनेकता
ભેદ નો વિશેષ ભાવ અને રાગ ભાવ એ આત્મ દ્રઢ ઉપર તીર્થે દ્રઢ મેં પ્રવેશ નહીં. આ 14મી ગાથા હે નહી કા અધિકાર પણ દર્શન કા અધિકાર હૈ, 15મી પણ જ્ઞાન કા અધિકાર હૈ કે બચપશ રહિત અપને આત્મા કો અનુભવે. એ સારા જૈન શાસન કા અનુભવ હુઆ. જૈન શાસન મેં એવું કહેના હૈ ઉપદેશ સંત મજમ પસૈ જૈન શાસન સરમ, જેને ભગવાન આત્માને આ વિશેષ અને રાજવિષ્ણી રહિત ને રહિત બિન જેને આત્મા દેખા ઓર અનુભવ હુઆ, ઉપદેશ સંત મજમ સિદ્ધાંત મેં ભી એવું કહા હૈ અને અનુભવ એ જૈન શાસન હૈ. એ દેખને વાલે સારા જૈન શાસન દેખા. આ ગાથા કા અર્થ મેં જો આ ગાથા હૈ ને ઉસકા કૌશલ ઉસકા અર્થ મેં ભાવાર્થ મેં પૈસા દિયા હૈ ભાઈ આ અબધિક પ્રશ્ન એસા કહા પણ પર્યાય મેં મલિનતા હૈ, પર્યાય મેં રાગ હૈ, એસા જ્ઞાન લક્ષ મેં રખ કર અબધ પુરુષ કી દ્રષ્ટિ કરના. ટીકા મેં સમય સાર કે આત્રો આગાથા 14મી કી ટીકા મેં અર્થ લિખા હૈ જયચંદ પંડિત. હા હા હા, પર્યાય મેં રાગવેશ હૈ એસા જ્ઞાન કો લક્ષ મેં રખના. બિલકુલ જ્ઞાન કા રખ છોડ દે તો એકાંત હો જાય. એ જ્ઞાન કા લક્ષ રખ મે રખ કર ઉસે રહિત મે ચૈતન હું એસી દ્રષ્ટિ કા વિષય કો બના લે તેરા ભવ કા અંત હોગા. નરક ને નિરોધ ભાઈ વાદીરાવ તો કહેતે હૈ વાદીરાજ ને વિષ પહાર સ્તુતિ એ સ્તુતિ મેં કહેતી હે નાથ મેં ગયા કાળ કા દુઃખ યાદ કરતા હું તો મેરે આયુષ કા આયુધ કા ઘા વાગે આયુધ કા એસે લગતે હૈ. મુનિ કહેતે હૈ મેરી પૂર્વ મેં નરક ને નિબૂધ કી પર્યાય મેં દુઃખ એ દુઃખ કો મેં યાદ કરતા હું. મનીરાજ કહેતે હૈ વિષ વિષ અપહાર મેં ભગવાન કી સ્તુતિ કરતે હૈ. હે નાથ તે ક્યાં એસા શરણ દિયા નહીં હમ અને હમ દુઃખી હુઆ એસા દુઃખી કે એ દુઃખ કી સ્મૃતિ હમ કરતે હૈ દુઃખી નરક મેં નિરોધ કા દુઃખ અંતરમૂળ કા દુઃખ ક્રૂર ભવે અને ક્રૂર જીવે ન કહી શકે પ્રભુ એ ભી દુઃખ દેખા હૈ તો ભૂલ ગયા ભૂલ ગયા એટલે મોત નું એસા ક્યુ કહે સમજ મેં આયા. અપના જીવન પીછે બાર માસ મેં ક્યાં જન્મ્યા પીછે ક્યાં હુઆ માતા એ ક્યાં ક્યાં ખબર હૈ. જંગલ જાને મેં તો માતા પગ લાંબા કરકે પગ ઉપર બેસા કે જંગલ કે આયે બાળક હૈ હવે અને જંગલ ક્યાં લાવતા તો પગ લાંબા કરકે દો પગ વીચ મેં બનાવ બેહાર બાળકો દેખાય કે નહીં હે સૌ કપા. હું માતા હૈ તો ઉસકી જંગલ હોને કી તૈયારી હો ગઈ થોડા બગડ્યા યહાં બેઠે થે થોડા હવે કરાના જંગલ કેસે ક્યાં ચૂલા મેં બેહારે બાર બેહારે ક્યાં બેહારે. તો માતા પગ લાંબા કરકે પગ ઉપર બેસા રહે પગ વચ્ચે ખાલી હોય ત્યાં જંગલ જાય. પંડિતજી આ તો સબ દેખાય ને માતા. માતા એસા કહે યાદ નહીં પ્રભુ તને યાદ નહીં માટે નહીં થાય હું ક્યો કહે. એસે આનંદ ભાવ મેં દુઃખ કા કેસે ભોગ્યા એ દુઃખ તેરે યાદ ના આવે એથી દુઃખ નહીં થા
इसे कौन कहे। कपूर सिंह जी ये भी बात मुझसे ये गुजराती ऐसी बात है हिंदी। बद प्रसादी भाव, भाव तो कहा है, कोई अभाव सुन ऐसा है नहीं, भाव तो है, राग आदि विशेष आदि बद प्रसादी है। हाँ हाँ हाँ, पण स्पष्ट रूप से है। भगवान चैतन्य प्रकाश की मूर्ति, उसके ऊपर से स्पष्ट रूप से अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जहां वो ज्ञान के आनंद का सम्यक दर्शन में प्रतीति पहले अनुभव हुआ, ये अनुभव होकर प्रतीति हुई, तो उसमें स्पष्ट रूप से तीर्थ होने पर भी अपनी चीज में ऊपर तीर्थ हुए, स्पष्ट प्रत्यक्ष आत्मा का हुआ तीर्थ दिखा। समझ में आया, प्रभु आ तो धर्म कथा है, आ त्रिणलोक ना नाथनी कथा कोई वार्ता नहीं है, वो बालिक बालक में कथा आती थी ना, चटनी लावी चोखाणो दाणो चकलो लगो मगनो दाणो मक्का दाणो, ये तो पीछे बनाया खिचड़ी ये बालक में कथा की थी, बालक ये खिचड़ी कुंभार को दिया, कुंभारे घड़ा दिया, घड़ा में खजूर दिया, खड़े हाँ हाँ हाँ, ऐसी बात नहीं है प्रभु, आप तो सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा की आ बात है। हाँ, कहते हैं कि बद प्रसादी इतनी पांच भाव स्पष्ट रूप से ऊपर तीर्थ होने पर भी ये दया दान वर्तना विकल्प ऊपर तीर्थ है। बाहर की चीज तो अंतर में है ही नहीं, उसका त्याग ग्रहण तो है ही नहीं, पर राजादी में ऊपर तीर्थ है। तो दृढ़ ऊपर जहां दृष्टि होती है तो उसका तो अभाव हो जाता है, दृष्टि दृष्टि में से उसका अभाव हो जाता है, पर ये न बोले हो ये ज्ञान का निकल रहे। और भाव जो है बद प्रसाद अनन्य उसमें रहित जो भगवान को दिखा और आत्मा का अनुभव हुआ, चैतन्य का आनंद का स्वाद आया, तो स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान से आत्मा देखा और आनंद भी प्रत्यक्ष रूप से स्वाद आया। इस ऊपर तीर्थ होने पर भी वास्तव में स्थिति को प्राप्त नहीं होते, पर्याय में ऊपर रहने पर भी उसको द्रव्य में आधार मिलता नहीं, प्रतिष्ठा मिलती नहीं। धनाराम जी क्या कहते हैं, दर्शन ज्ञान में चरित्र ऐसा भेद ऊपर तीर्थ है, ये विशेष को द्रव्य में आधार मिलता नहीं। क्या चाड़ी रखा का समझ में आया है, तो दृष्टांत दृष्टांत के कारण से है कि दृष्टांत सिद्धांत के कारण से है। पहले हमारे पटारा था ना, पटारा पटारा समझे, पटारा नहीं माल रखने का घर में, पटारा क्या कहते हैं, बड़ी पेटी पटारा है, समझ अपने सब पेड़ रखते हैं ना पटारा, नगर में भी आता है पटारा, तो पटारा ऊपर गैलरी हो ऊपर उसमें थाली हो थालियां अभरा भरी हो, तो बालक को ऊपर बैठा रहे, नीचे तो आदमी भाई एकदम न छोड़े, इसलिए बालक को ऊपर बैठा रहे,
बालक के ऊपर बैठा रहे तो बालक त्या बैठने को बैठा रहे है कि बालक तो लांबा हाथ करके वो थाली लेने को बैठा है? थाली समझे ऊपर वासन रखते ना, पटारा होता है ना ऊपर वासन रखते ना सारी जलेबी। हमारे तो घर में सब खान हुआ हम तो देखा है। तो दूसरा कहना है कि बालक को त्या मेहमान आया हो पांच दस थालियां देख जो हुए अपने दस दस घर हो मानो इतना दस सौ नीचे थालियां हो दस आया जिसे ऊपर उतारना हो तो बालक को कह अपने इतना पटारों पर चढ़े ने बालक को कह चढ़ जा रही तो चढ़ने को यहां बैठने को कह है चढ़कर उठान जा रहे उतार ले ऐसे दृष्टांत को दृष्टांत रखना है। दृष्टांत को सिद्धांत ले जाना है। समझ में आया? हम तो सारा अनुभव संसार का भी एक एक बात में तो नाटक में जाते थे कहा ने तो नाटक में जाते थे तो हम एक भी उसकी सुनते नहीं। तुम्हारी टोपड़ी लाओ जो तुम्हारे बोलना हुई टोपड़ी लाओ तुम क्या बोलते है समझे बिना ऐसे हमने देखे। बारह ना की टोपड़ी टिकट बारह ना नहीं टोपड़ी बारह ना नहीं। हमारे तो सर घर की दुकान थी तो माल लेने को जाते थे। छोटी उम्र की बात है 18-19 वर्ष की 70 वर्ष पैदा की बात है। तुम्हें क्या कहते हैं ये हमें धीमे धीमे कोई तुम बोलो मानस हजारों है तो हमने ख्याल में ना आना चाहिए ना क्या कहते लाओ छोपड़ी लाओ। तो नार आते पहले नार नाटक में नार आते सुनो नाटक में पुस्तक में था लिखा ब्रह्मा सूत्र हूँ ब्रह्मा सूत नारद कहाऊ जा जाऊ क्या कन्ह कहू नारद ब्रह्मा सूत्र हूँ नारद कहाऊ जहाँ क्लेश न हो त्या क्लेश कराऊ। राम मोक्ष बराने वाला रामचंद्र जी महापुरुष उसने उसका लड़का साथ लड़ाई हुई लव ने कुश लव कुश यहाँ जन्म नहीं था सीताजी को ले गए थे रावण को जन्म दूसरे ठिकाना हुआ तो लड़का ने पिता कोई बाहर के लोगों ये क्या है पिताजी है कौन मैं पहले पिताजी को पीछे पहले मेरे से जीत लेते हैं कि नहीं मेरे मेरे जीतने मेरे जीतते हैं कि नहीं पिताजी तो लड़ाई करूंगा पहले तो नहीं नारद क्या है सब हम देखा है नाटक में देखा है तो सारी निवृत्ति थी ना। तो ये लव कुश साथी लड़ाई करते 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 इतना लड़ाई हुई रामचंद्र जी तो पहले लव कुश को खबर नहीं का हमारा पिता है पीछे हार जाने की टाइम आ गया रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सा अरे कौन आ दूसरा वासुदेव का क्या लक्ष्मण के मैं वासुदेव हूँ रामचंद्र जी महापुरुष बहुदेव है आ कौन पा क्या कौन है कि हमको भी हरा देते हैं तो नारद क्या पड़ गया नारद ये तुम्हारा लड़का है तुम पिता लड़का हथियार छोड़कर पिताजी का वही पिताजी मेरे को खबर नहीं आप पिताजी है उनके हैं जन्मे तो हमको खबर नहीं पिताजी हमको लड़ाई नारदे कराई नारदे पीछे लड़ाई में खिला पूरा हुआ हरे गया रामचंद्र जी रामचंद्र ने विचार हुआ महापुरुष पुरुषोत्तम पुरुष आखिर शरीर मोक्ष जाने वाला है वासुदेव तो नर्क में जाने वाला लक्ष्मण तो उसको भी ऐसे हो गया कौन है आप
मेरी भी हार हो गई ना उसकी जीत हम वासुदेव है कि कौन है आप नार बीच में आ गए तो हमारा तुम्हारा पुत्र है। ये सीता जी का लड़का है तुम्हारा गांव में आना है पर पहली ऐसी परीक्षा करके आने जाना है। तो जहां जहां लिखा हो उसमें लड़ाई करना ऐसा करना सारा करना आए तो कहते हैं प्रभु एक बार नाटक में समय सारे नाटक है कि नहीं समय सारा नाटक कर दिया है। जहां अंतर में आनंद का वेश लेकर परमात्मा प्रवेश करते हैं मोक्ष भी एक वेश है मोक्ष उसका कायमी स्वरूप नहीं वेश है पर्याय है ना संवर इंद्रा भी एक वेश है कायम के चिन्ह नहीं। हाँ हाँ दृष्टि का जो विषय है स्पष्ट रूप से तिरते हैं ऊपर से भिन्न ये दृष्टि का विषय में वो तो ऊपर तिरते हैं अंतर में है नहीं। हा ऐसी दृष्टि होने पर राजा जी दिखते हैं पर वो मेरा नहीं जानने में आता है कि मेरा ज्ञान का गिनेई पर तरीके गिनेई है स्व तरीके गिनेई तो मैं जानता हूँ ये स्व तरीके मेरा गिनेई है। समझ में आया ये आज आप हमें कह सकता है देखो ऊपर तिरते होने पर भी वास्तव में स्थिति को प्राप्त नहीं होता द्रव्य में प्रवेश नहीं। शेष को मिला हाँ तो क्या दूधी जाती बात है प्रभु ये श्लोक वास्तव में स्थिति को स्थिति नाम प्रतिष्ठा समझ में आया। अब अनुभव तो द्योतमान प्रतिष्ठा तरंतु भी प्रतिष्ठा पाठ है बीजा पद नो छेलो शब्द पर उसका प्रतिष्ठा नहीं मिलते ये ऊपर होने पर भी द्रव्य में प्रतिष्ठा नहीं मिलते अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पर्याय मात्र द्रव्य से ऊपर तिरती है। तो राग आदि की बात कहान पर श्री श्री कुटुंब परिवार मेरा कहाँ रह गया प्रभु द्रव्य में पर्याय प्रवेश नहीं करती पर्याय ऊपर तिरती है। समझ में आया भाषा पढ़ा दिया प्रभु भाव गंभीर है था चालीमी टीका पुनः करते टीकाकार मुनि का दो श्लोक कहते हैं पोती टीकाकार दो श्लोक कहते हैं नित्य शुद्ध चिदानंद संपदा आकरम परम विपदा में इदम बोध उच्चे अपदम चेत पदम। जो नित्य शुद्ध चिदानंद रूपी संपदाओं के उत्कर्ष खान है भगवान आत्मा नित्य ध्रुव शुद्ध पवित्र ज्ञानानंद चिदानंद ज्ञानारूपी संपदा संपदा ढूंढने संपदा है तो विपदा है। चिदानंद रूपी संपदा उनका उत्कृष्ट ज्ञान खान है खान भगवान आत्मा अंदर में नित्य ने शुद्ध ऐसे चिदानंद ज्ञान ने आनंद बैन देना है मुख्य ज्ञानानंद रूपी संपदाओं की उत्कृष्ट खान है खान में से निकालो इतना निकलेगा उसमें पूरा नहीं निकलेगा। भगवान आत्मा सम्यक दर्शन का विषय सम्यक शुद्ध नय का विषय वही आदरणीय है
ये आदरणीय चीज है कैसी, कि नित्य रहने वाली है। नित्य तो परमाणु भी रहते हैं, पर शुद्ध है। भगवान आत्मा नित्य शुद्ध है, पवित्रता का पिंड प्रभु अंदर है। नित्य शुद्ध चिदानंद रूपी संपदा, ज्ञानान रूपी अपनी संपदा, उससे उत्कर्ष खान, उत्कर्ष खान है। तथा विपदाओं का चंद रूप से अपद है, राग आदि पर्याय है, अपद है, विपदा है। राग दया दान व्रत भक्ति आदि का परिणाम ये विपदाओं का स्थान अत्यंत रूप से अपद है। भगवान नित्यानंद उत्कृष्ट चिदान रूपी गुण की खान है, तो पुण्य पाप है ये विपदाओं का अत्यंत रूप से अपद है। ये तो विपदा रूपे अपद है, अपना पद नहीं। लोग को तो कहने सोनगढ़ वाला एकांत है, एकांत है। अरे भाई बाबा, भाई तारी तेरी चीज की महत्ता की खबर नहीं, तो तेरे व्यवहार दयादान की महत्ता आती है। जिसकी महत्ता छोड़ना है उसकी महत्ता आती है, और जिसकी महत्ता करनी है उसकी महत्ता आती नहीं है। ये अंदर में प्रवेश नहीं, ऐसा दयादान व्रत भक्ति का परिणाम उसको तो यहाँ विपदाओं का इतना रूप से अपद है। ये तेरा स्थान नहीं प्रभु, तेरा धाम नहीं, ये तेरा धाम नहीं, चैतन्य का ये धाम नहीं, ये राज की आपदा का धाम है। बात सांभता तो मैं उसने एकांत लागे, प्रभु का सम्यक एकांत की बात है। संडंग दर्शन यही रीति प्राप्त होता है, जब मैं चिदानंद रूपी नित्य शुद्ध की खान हूँ, मेरी चीज में राग का प्रवेश नहीं। ओहो, राग भी मेरी चीज से ऊपर तिरते हैं। है खरा राग आदि है खरा, पर ऊपर तिरते हैं, अंदर में प्रवेश नहीं करते हैं। ओजल होता है ना, ओजल ओजल कहते हैं ना, रानी पर्दा हो जाए, पर्दे ने ओजल में रानी कैसा होता है, ऐसे लगे। तो एक बार हम बड़ी गए थे बढ़िया जूनागढ़ पास, रामजी भाई था, नानंद भाई था, बड़ा घना था। ये राजा पोते व्याख्यान आए थे दरबार, तो उसने कि महाराज हमारे घरे रानी को दर्शन करना है। लोग रानी कैसी होगी, वो पर्दा मेरे ने बाहर मेरे नहीं, महाराज हमारे रसोड़े ब्राह्मण का रसोई रसोड़ा है अपना निर्दोष, हमारा रसोड़ा जुड़ा एक ब्राह्मण का रसोड़ा है, त्या पधारो और हमारे रानी का दर्शन दो। तो लोग को हम रानी के बाहर गया, यहां अंदर गए, जाडू ना लोही में सब आ बो खतरो राणी केवी हटी जने, ऐसा नहीं है। राज से रहित पर्दा में भगवान विराजते हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आया है क्या किया, बढ़िया है जूनागढ़ पास, बढ़िया दरबार है।
जान गई थी तो लोग सलाह दरबार में व्याख्या ना था। नहीं, ये दरबार इतना होशियार था कि बीजा दरबारों उनके पास राज कैम करना सीखने को आते थे। ये दरबार ऐसा था बुढ़िया नाम पंचाणों में पंचाणों में राजपुर समर्थन था ना छन्नू में जहाँ गई थी जूनागढ़ का दर्शन करने पीछे वर्ते थे उतरा था तो राजा ऐसा था कि उसके पास सारा राजा और आसपास राजा राजकुमार हो शिखर आते थे। वैकन में सब आया ये राजकुमार जी आया था राजा ने सब आए थे। छन्नू की बात है कितना वर्ष हुआ 39 अंदर जहां गए थे रानी थी कहीं ठिकाना में आवा दुनिया जाने रानी कैसी होगी। यहां कहते कि राज से रहित पर्दा से रहित भगवान अंदर रहे कैसा है तो अलौकिक बात है। राज का पर्दा तोड़कर अंदर में जाना है ये बादशाह सैतन बादशाह का दर्शन हो जाते रहे। ऐसी संपदा कहीं है नहीं ऐसी संपदा का खान है तुम प्रभु। उसकी महिमा ना बाहर की महिमा आते मिथ्या दृष्टि है। ये दयानंद व्रत में भक्ति का परिणाम की महिमा आती है वो महिमा मिथ्या दृष्टि है। अपनी चीज की महिमा की खबर नहीं ना पर की चीज की महिमा ये कहते हैं। ये विपदाओं का अत्यंत रूप से अपद जो अत्यंत साधन है नहीं ये पदे नहीं अपना पदे नहीं अपना स्वरूप नहीं। हा 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 जहां विपदा बिल्कुल नहीं है ऐसे इसी पद का मैं अनुभव करता हूं। हा 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 ये विपदा आत्मा भगवान त्रिलोकनाथ राज का पर्दा तोड़कर मैं अंतर में जाता हूं तो मैं मेरा अनुभव होता है। एक ही है ये समझ दृष्टि है। समझ में आया बाकी मान ले हम जैन में जन्माने में संकेत है नव तत्व देव गुरु सन ये कुछ है नहीं भाई। इसी पद का मैं अनुभव करता हूं कैसे कि निशुद्ध चिदानंद रूपी संपदाओं के उसके खान है इसी पद का मैं अनुभव करता हूं। राग का नहीं राग नहीं वो तो पर है। तीसरा श्लोक 57 है न यह सर्वकर्म विश्व भू रूप संभवानी मुक्त्वा फलानी निज रूप विलक्षणानि भुक्ते अधुनाम सहज चिन्मयम आत्मतत्व प्राप्नोति मुक्ति अचिरात इति संशय को अशुभ ने शुभ सर्व कर्म रूपी विष वृक्ष हो तो झेरना जा रहे या शुभ कर्म ने अशुभ कर्म जड़ ये झेर का झाड़ है। तीर्थंकर प्रकृति बंदी हो समय साहब ने कहा है 148 प्रकृति जहर का घर है वो प्रकृति में तीर्थंकर भी आई नहीं है प्रकृति और आरक आरंग अंगोपान मुनि को आरक सही होता है ना भगवान को प्रश्न पूछने जाते ये सब जहर का जात प्रकृति जहर का जात भगवान आत्मा अमृत का जात अमृत का चिंता मानी महावृक्ष। राग आदि भाव ये प्रकृति उसकी जो है सर्व कर्म रूपी हम दिया ना सर्व कर्म में कोई तीर्थंग प्रकृति बाद किया ऐसा है नहीं प्रकृति पद पड़ी हो पड़ी तो कर्म जड़ है। 148 प्रकृति है सब जड़ है।
ये सरल कर्म रूपी वृक्ष वृक्षों से जैरना झार से उत्पन्न होने वाला नील रूप से विलक्षण मेरा स्वरूप की विलक्षण नाम विपरीत लक्षण वाला उन्होंने पाप मेरा स्वरूप से विपरीत लक्षण वाला जो वह सुंदर दर्शन की चीज है नहीं सुंदर दर्शन की अजी भान नहीं पचे ने त्याग हो जाए त्याग करो भाई ने तो मेरा त्याग किया मिथ्या है पर का त्याग में किया ही तो मिथ्या भाव है पर का ग्रहण त्याग आत्मा में है ही नहीं ये तो भिन्न चीज है कभी छुया नहीं तो त्याग करना क्या है भारे काम भाई आपको दुनिया भाई त्याग ने लिखी ने लगे त्यागी है त्यागी है धर्म का त्यागी है यहीं आते हैं अंदर नियम सार भाई आ रहे थे नियम सार मारे क्या होना बात है स्वधर्म त्याग ऐसा मोह आते हैं आप अजमाते हैं बदली भाई यार कहें ऐसा है हम आप अजमे स्वधर्म का त्याग ऐसा मोह त्याग क्या कहे खरा बस 57 बस 57 पानो ने बस 57 कितने में कर्ज की दो बस 10 बराबर दस लोग जो यहां स्वधर्म त्याग रूप है त्याग किया उसने क्या त्याग किया स्वधर्म का त्याग किया स्वधर्म का त्याग रूप मोह है भाई का त्याग में तो स्वधर्म का त्याग मोह है स्वधर्म है स्वधर्म त्याग रूप मोह रूप अति प्रभाव तिमिर समूह को दूर किया है उसे हक सेना की ध्वजा को हर लेता है मोह की व्याख्या किया कि स्वधर्म का त्याग रूप मोह पर का मैं त्याग करूं पर को छोड़ू ये तो मोह भाव है अरे राग का त्याग करना वो भी नाम मात्र आत्मा में है चौथी का समाता है समझता राग का त्याग भी नाम मात्र आत्मा में है परमार्थ राग का त्याग भी आत्मा में है नहीं क्योंकि आत्मा राग रूप हुआ ही नहीं ऐसे स्वभाव की दृष्टि ने अनुभव हुआ राग का त्याग उसने किया ये नाम मात्र कथन है परमार्थ राग का त्याग भी आत्मा में है नहीं लोग बाहर ना त्याग बाहरी छोकरा छोड़े ना कहीं लुगड़ा फिर भी ना कहीं एक कपड़ उठे पहरे क्या थे त्यागी एम कहते देखो पद्म मौलदारी देव क्या श्लोक है वो मुनिराज उसका श्लोक है सदा शुद्ध शुद्ध ऐसा प्रत्यक्ष चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व जगत में नित्य जयवंत है कि जिसमें प्रकट हुई सहज तेज पुंज द्वारा स्वधर्म त्याग मोह रूप अति प्रबल तीर समूह को दूर किया है स्वधर्म का त्याग ऐसा जो मोह उसे दूर किया है जीने वाले भाई
तो अनंत अनंत का अंत लाकर भव का अंत आने के बाद है। भव में अंत न हो तो नरक नहीं को मिलेगा बाबा। ये अब्जोपति मर कर जाए पशु में, आहा खिसकोली, खिसकोली क्या कहते हैं, हाँ एम जाए डेढ़ गरुड़ी होती है उसका उसमें जन्मे। बापू अनंत वाले बाप भाव क्या है भाई, तेरी चीज की खबर नहीं। और त्रियंज गति में जाते हैं ये क्यों, घूमटकार में लिखा है कि क्यों, ये स्वरूप से उसने विपरीत अडोड़ा मौत किया, अडोड़ा ने विपरीत मौत किया, तो ये विपरीत के कारण उसका शरीर भी आड़ा हो गया त्रियंज में। मनुष्य में ऐसा हुआ तो फिर हाथी घोड़ा खिसकना टेढ़ा शरीर है, टेढ़ा शरीर हो गया, टेढ़ा ही मौत किया तो टेढ़ा शरीर हो गया, आत्मा में तो टेढ़ा ही हो गई। ये बात है भाई, यही क्यों अधिकार है, समाधि अधिकार, समाधि अधिकार में एक दफा है। हाँ ये कहा तथा विपद्याओं का अच्छा रूप सपद है, जहां विपद्या बिल्कुल नहीं, भगवान सुचिदानंद मूर्ति में राग की आपदा बिल्कुल नहीं, विपद्या उसमें है ही नहीं, विपद्या रागी विपद्या है, आकुलता है, दुख है, ये अंदर में आत्मा में बिल्कुल है नहीं। ऐसे पद का मैं अनुभव करता हूँ, अरे शुभ शुभ कर्म भी विश्वक्षों से उत्पन्न होने वाला, शुभ शुभ कर्म जो है ये जहर का वृक्ष से उत्पन्न होने वाला, नील रूप से विलक्षण, ऐसे फलों को छोड़कर विष वृक्ष जो जहर पाप का परमाणु पड़ा है उसके कारण से आप लक्ष्मी पैसा मकान करोड़ों का आदि मिले तो ये बीस वर्ष का फल है, जहर का ही फल है। समझ में आया, आ तो संतो ऐसे ही कहे थे लोगों ने तो वैसे न बहे। तो अब जो पति होते हैं तो कहते हैं कि तो बीस वर्ष का जहर का फल है। तो पूर्ण भाई हाल आता ना बे बचाली करोड़ गोवा गोवा गुजर गया पैसा से छोकरा से एक छोकर ट्रिस्टी ने पीड़ो पैसा बहुत बे अब 40 करोड़ डी अबज घना करोड़ नहीं पैदा एक वर्ष उसका हाल है तो गुजर गया भाई बैठे पूछे गुजर गई लड़का है अड्डी अबज पैसा बसे 50 करोड़ भूल में क्या है भाई ये तो वो कहते हैं ये कर्म रूपी जहर का फल है, ये नील रूप से विलक्षण है, अपना आनंद स्वरूप भगवान उससे लक्ष्मी आदि स्त्री आदि अनुकूल लड़का अनुकूल आदरू अनुकूल ये जहर का फल है। यानी मिठास छूटे त्यारे प्रभु ने मिठास आवे बाहर नहीं मिठास छूटे अंदर थी बिल्कुल जहर ना झाड़ जहर फल है। अब जो रुपया हो लड़का अपन 10-12 हो एक एक लड़का 5-5-10 लाख के उपज वाला हो सब जहर का झाड़ है। क्या तो बता ने लिए अंदर
ईश्वर से उनको होना नील रूप से विलक्षण ऐसे फलों को छोड़कर जो जी इसी समय आज समय में सहज चैतन्य आत्म तत्व को भोगता है, राग को नहीं भोगता, पर को नहीं भोगता, अपने को भोगता है, ये जीव अल्प काल में मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें क्या संशय है। अपना आत्मा का अनुभव करता है अल्प काल में केवल नाम प्राप्त करते, उसमें संशय क्या है।